कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर दो में आज हम दो चीज़ों पर बात करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सरल चीज़ है, लेकिन किसी बबुआ से पूछिए ना तो सिर खुजलाने लगेगा। तो हम आपको सरल भाषा में बताते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर और कुछ नहीं, एक गणित करने वाली मशीन है। पहले हम लोग पहाड़े करते थे, लेकिन पहाड़े से बहुत दूर तक नहीं जा सकते। फिर एक मशीन आया कैलकुलेटर, उसमें केवल गणित होता था, गुणा भाग जमा घटा। लेकिन गणित जब इससे आगे बढ़ गया, अब आप ये सोचिए कि गणित ही गणित कर कर के मशीन आपका संदेश भी भेजता है, आपका फोटो भी दिखाता है, वीडियो भी दिखाता है, अंदर से सब गणित हो रहा है। तो ये कमाल है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर क्या होता है, आप सोचिए, आपका बिजली का स्विच होता है, जला दिया बुझा दिया, जला दिया बुझा दिया। कंप्यूटर के अंदर ऐसे करोड़ों स्विच होते हैं और इतना तेज जलाते बुझाते हैं कि एक सेकंड में कई करोड़ कम जलना बुझना हो गया। तो इतना तेज चलता है कंप्यूटर। अब एक चीज़ और बताएं कंप्यूटर के बारे में, कि ये बड़ा बड़ा कंप्यूटर, बहुत बड़े कमरों में कंप्यूटर होता है, एक घरों में होता है, ऑफिस में आपने देखा हो, दुकानदार के पास होता है। एक ये जो होता है लैपटॉप, जो बंद हो जाता है खुल जाता है, और उससे छोटा होता है जिसको टैब बोलते हैं, और ये मोबाइल बोलते हैं, ये सब कंप्यूटर है एक तरह के। अब आते हैं हम इंटरनेट पे। इंटरनेट यानी नेट, नेट का मतलब होता है जाल, जैसे मछली पकड़ने का जाल, जो ये मकड़ी बना देता है ना जाल, सब चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, ये होता है नेट। ऐसी दुनिया भर के कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनेट। अब वो बनता कैसे, बड़े बड़े तार होते हैं, बहुत मोटे तार, पूरे समुद्र के पहाड़ों के बीच में से गए होते हैं, बड़ी कंपनियों में होते हैं, वहाँ से छोटे तार जाते हैं, फिर छोटे तार जाते हैं, और घरों में, दुकानों में, ऑफिस में तार से आपका कंप्यूटर जुड़ा होता है। अब आप कहेंगे आपका मोबाइल तो तार से जुड़ा नहीं होता, तो ये जो है ये बेतार का तार है। जैसे पहले टेलीग्राम होता था ना, कोई तार नहीं दिखता था लेकिन खबर पहुंच जाता था। तो ये जो बड़ा मोबाइल टावर होता है, तवा जैसा लगा रहता है ना, वहाँ तक तार आता है और वहाँ से तरंग भेजता है, जैसे आप बोलते हैं सुनाई देता है, दिखता नहीं, वो सुनाई भी नहीं देता, इस तरह का तरंग भेजता है। और एक चीज़ और बताएं इस बारे में, कि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट तेज चाहिए होता है, जो मोबाइल वगैरह से नहीं आ सकता, तार से ही आ सकता है। तो क्या करते हैं, ये जो है ना, इस तरह का डब्बा लगा होता है घर में, बच्चा लोग भी लगाते हैं, दुकानों में लगा होता है, बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, बड़ी दुकानें, वहाँ भी होता है, ऑफिसों में होता है। ये क्या होता है, यहाँ तक तार आया होता है इंटरनेट का, और ये तरंगें भेजता है। तो आसपास के जो फ़ोन हैं या लैपटॉप हैं, टैब हैं, जो जिनको की उसका सुविधा है, तो उसको पकड़ लेता है, तो आप फिर फोटो वीडियो सब देख सकते हैं, है ना। ये तो हो गया आज का ज्ञान। अब अंत में हम आपको हर वीडियो में दो चार ऐसे शब्द बताते हैं जो अंग्रेजी के होते हैं, हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, लेकिन बहुत बार हमको उसमें कठिनाई होती है समझने में। तो आज हम तीन चार ऐसे शब्द बताते हैं। एक तो जो ये है ना, ये मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का जो पर्दा होता है, इसको कहते हैं स्क्रीन। एक तो ये हुआ। दूसरा, मोबाइल फ़ोन तो आप जानते हैं, ऐसा फ़ोन जो कि चल सकता है, मोबाइल का मतलब होता है जो इसको इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन बच्चा लोग कहता है हमारा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब और कुछ नहीं, मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट होता है वो स्मार्टफोन होता है। आप जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं ना, ये स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें इंटरनेट के जरिए वीडियो आया है। और आजकल तो टेलीविज़न भी बहुत सारा ऐसा नया आ गया है जिसमें आप तार लगा दें या वाईफाई लगा दें तो वो उसमें इंटरनेट आ जाता है, उसको स्मार्ट टेलीविज़न कहते हैं। वाईफाई आपने देख लिया, वाईफाई ये इस तरह का डब्बा होता है। अगर आपके फ़ोन
फोन में वाईफाई काम कर रहा है तो छतरी जैसा, देखिए ऐसा ये निशान आ जाता है इसके आँख ऊपर से, तो इसका मतलब वाईफाई चालू है। और आखिरी में हम एक बताएंगे कि जो आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, अगर आप इस दुनिया में बहुत नए हैं कंप्यूटर की दुनिया में, तो हम आपको बताएं कि वीडियो क्या होता है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें चित्र होता है, वो चलता है, तो वही जब छोटा छोटा इस तरह का टुकड़ा होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं 6-7 मिनट का है, तो ये वीडियो है। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।